मॉर्निंग एवरीवन. आज मैं आपको कर्सिव में स्मॉल एच बनाना सिखाऊंगी. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कर्सिव एच सीखेंगे. तो चलिए अब आप अपनी कर्सिव की बुक ले लो. क्या है ये? है हमारा कर्सिव एच. अब एच फॉर होता क्या है? एच फॉर होता है हनी. हनी की स्पेलिंग क्या है? एच ओ एन ई वाई, हनी. अब एच कैसे बनेगा? अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आपको बनाना आएगा. आपको एच बनाना तो आता है ना? तो आपको अब बनाना कैसे है देखो. जो हमारी थर्ड लाइन, जो थर्ड नंबर की लाइन होती है, हम उसे वहां से घुमाते हुए फर्स्ट नंबर की लाइन पर लेकर जाएंगे. फिर एच जैसे बनता है, एच बनाना आता है, उसी तरह हम उसको बनाते हुए ले जाएंगे और छोटे से टेल निकाल देंगे. ये लो बन गया, है ना सिंपल. अब ध्यान से देखिए, हम थर्ड वाली लाइन से लेकर जाएंगे फर्स्ट वाली लाइन तक घुमाते हुए, फिर हम फिर से वापस आएंगे थर्ड वाली लाइन तक, फिर एच को सेकंड नंबर की लाइन पर ले जाते हुए घुमाते हुए टेल निकाल देंगे स्मॉल सी, है ना. तो ये बन गया हमारा एच. अब आप ध्यान से देखिए, फिर से देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ. मैंने इस तरह लिया, इस तरह घुमाया, फिर इस तरह से यूं इस तरह से छोटी सी टेल निकाल दी, बन गया. अब आप फिर से देखिए, देखो मैंने थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन तक ले गई उसे घुमाते हुए, फिर नीचे लेकर आए थर्ड वाले नंबर की लाइन पर, फिर बैक करते हुए उसको घुमाते हुए छोटी सी टेल निकाल दी. ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल एच, है ना. आपको बनाना आया? देखो फिर से देखो किस तरह से बन रहा है. देखिए इस तरह से भी गलत हो गया, मैं इसे इरेज कर लेती हूँ. इसी तरह से अगर आपसे भी गलत होता है तो आप भी इरेज कर लें, उसके बाद ही दोबारा से बनाएं. ओके, देखो मैं दोबारा से बना रही हूँ ना. देखिए इस तरह से, देखो देख रही हो ना. देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर लेकर गई, नीचे लेकर आई, फिर बैक करते हुए छोटी सी टेल निकाल दी. अब देखिए फिर से यहाँ से देखिए किस तरह बन रहा है. ये है बना. यहाँ से देखो किस तरह से हो रहा है, बन गया. फिर से देखो थर्ड नंबर की लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, उसे घुमाते हुए फर्स्ट नंबर की लाइन तक ले जाएंगे, फिर से उसे थर्ड वाली लाइन तक लेकर आएंगे, फिर उसको बैक करते हुए उसको एच की तरफ घुमाते हुए उसको हम स्मॉल छोटी सी टेल निकाल देंगे. ओके, देखो फिर से मैंने इस तरह घुमाया, इस तरह लेकर आई, फिर यहाँ से बैक करते हुए इस तरह से कर दिया. अब यहाँ पे मतलब पेंसिल को हमें उठाना नहीं है. अब यहाँ बीच में थोड़ा सा उठ गया था ना मेरा, लेकिन आपको नहीं करना, वो मेरे मिस्टेक से हो गया था. पर ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, आपको पेंसिल नहीं उठानी है. देखिए फिर से देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से इसको यहाँ से घुमाएंगे, फिर ये ले जाएंगे. तो बन गया हमारा एच. देखिए यहाँ से फिर से देखिए एक बार, इस तरह से देखो, है ना, है ना सिंपल. तो इसी तरह से आप एच बनाइए. आपको 35 और 36 पर यही स्मॉल एच बनाना है, क्योंकि अगर आप बार बार बनाओगे तो आपको बनाना आ जाएगा, है ना. तो चलिए अब आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए. तब तक के लिए बाय बाय.